जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फोकस टेली देखने वालों को सबको खुश आमदेद कहता हूँ। ये जनाब रात को डेकोरेशन यासर भाई ने और शाहिद भाई ने की है, माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त उन्होंने गली को जनाब चार चांद लगा दी है। रेस्टमैन को जाके एक काम पजीर होगा, वहाँ से गाड़ियों में बैठ के चौक अल हदीस जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से सब जिले को ने आना है, वहाँ पे जाके एक काम पजीर होना है। साहब अल्लाह में ज़्यादा बात में वो आर पे ना रहे हैं कि उसके जो मेहमान हैं भाई जनाब एक और जगह इस्तकबाल के लिए खड़े हैं अल्लाह में ज़्यादा बात में। पत्तियां फेंकी जा रही हैं गली के मोहल्ला में एक जगह पे। अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़रा हल्की हो जाएगी और ये अभी एक और गली में मुजादाबाद जी टी रोड के पास जो गली है वहाँ पे आ गए। जी ये हमारा मुजादाबाद का पूरा मोहल्ला अभी यहाँ से गुजर है। डिफेंस फोर्स साथ सिक्योरिटी के बराए सारे जवाब दे रही है। जी जुलूस अभी आजरान कलई बट्टी में खान की गली में से गुजर रहा है। थोड़ी देर में मिजाज वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस के बाहर केक काटा जाएगा जो कि आसम शाह की तरफ से दिया गया है। जय yeah।
एक हफ्ते के बाद हवेली जो की है जैदाबाद के साका कोच में खाटी नाम सलीम साहिब के फ्रेश नाम पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। इसके बाद यही होली एक बड़े जुलूस की शक्ल में शानदार चौक की तरफ रवान दवा होगी, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई रैलियाँ भी इसमें शामिल हो जाएंगी और बहुत बड़े इज्तम की शक्ल याद रखें। मुजैदाबाद के सबका कोचर हाजी मोहम्मद सलीम साहब की तरफ से न्याज का नजराना पेश किया जा रहा है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि जो ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन मिल जाए। बहुत शुक्रिया।